वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर एक्स से अबाउट यू। अपने दोस्तों में जो है या अपने रिश्तेदारों में फैमिली मेंबर से आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या उनका पर्सपेक्टिव है आपके बारे में। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप इस एलिफेंट से या स्ट्रेंथ के कार्ड से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उस तरीके से जो है पाइल नंबर टू को आप हायरोफेंट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। आपने स्ट्रेंथ के कार्ड को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके एक्स आपके बारे में क्या कहते हैं। डिल्यूजन जजमेंट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरो। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द बर्डन। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स, द ड्रीम। सेवन ऑफ कप्स, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, जेमिनी की एनर्जी है और मजिशियन की एनर्जी सॉरी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे करेज, तो वो जो है लियो एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिजोनेट करना। आपके एक्स जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करती हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन जो है वो यही चीज़ है कि जो चीज़ दिख नहीं रही है, जैसे होता है ना कि अब क्या बोलूँ, हवा जैसे दिखती नहीं है, चलती है, महसूस होती है, ये वही चीज़ है कि वो महसूस करते हैं आपको। आपको जहाँ पे भी वो जाते हैं आपको महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं है जो भी जेंडर हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, आपके बारे में जो है गलत बोला हो या ना भी बोला हो, इस तरीके के काम किए हैं जिसकी वजह से वो ये डिज़र्व करते हैं। तो इस तरीके की लो सेल्फ इस्टीम इशूज़ हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि जैसे नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना, सॉरो होना, दुख होना, उसके बारे में लगातार सोचते रहना, बार बार जो है वो जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में सोचते रहना, अपने आप को कुछ हद तक कोसना कि मैंने ये क्यों किया। तो एक जो चिंता होती है ना, चिंता चिता समान होती है, तो वही चीज़ है कि उसके बारे में बार बार सोचना। आपके बारे में ये कहते हैं कि आपने हमेशा पेशेंस दिखाई, आपने जो है उनको बार बार मौका दिया कि ये सही है और ये सही नहीं है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर उन्होंने देखी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने आपकी कदर नहीं करी। और एक तरीके से मूड स्विंग्स उनको हो रहे थे जिस तरीके से, या जैसे मान लीजिए कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो इस वजह से जो है आपने एक सही डिसीजन लिया, ग्रेसफुली डिसीजन लिया कि आप उनसे अलग हो गए और अपनी ज़िंदगी खुद बसाओगे या अपनी ज़िंदगी को खुद आगे बढ़ाओगे। तो ये चीज़ है। तो आपके एक्स जो है अगर रिस्पेक्ट वाली बात करी जाए तो रिस्पेक्ट करते हैं, और ये दिखावे वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इंसान को पता होता है कि मैं गलत हूँ कि सामने वाला गलत है, बशर्ते वो अपनी ईगो के कारण जो है जो भी कोई इंसान हो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, चाहे वो नेता हो चाहे वो नॉर्मल लोग हों, ठीक है, वो अपनी ईगो के कारण जो है हार नहीं मानना चाहते या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ हमने गलती की है, लेकिन उन्हें पता होता है कि हम गलत हैं। वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो बर्डन भी आया है यहाँ पे। आप जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, और वो उन्होंने भी जो है मूव ऑन होने की कोशिश करी, उन्हें लगा भी कि वो कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आपकी याद जो है उन्हें सताती है। जैसे एक गाना नहीं था, बहुत पुराना गाना, पता नहीं कौन सा है, एकदम से दिमाग में आया तो वो बता देती हूँ, तुझको याद आएगी बड़ा सताएगी, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट सारा हायरोफेंट है, तो हो सकता है कि ये एक टीचिंग लेसन इस पर्सन के लिए रहा हो। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कप्स है, वो अपने ही प्रोजेक्शन में आपको सोचकर अपने आप से बातें करते हैं और डिसीजन लेते हैं, या आप ये जवाब दोगे आप ये जवाब नहीं दोगे, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एग्जिस्टेंस आया है, मैजिशियन का कार्ड है। अगर उनके मन से पूछा जाए तो वो जो है आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये उसी तरीके से है कि यूनिवर्स में जो है, यूनिवर्स कितना बड़ा है और उसमें जो है कोई फिर से अपनी लाइफ में टकरा जाए, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, उन्हें मालूम है कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, तो वो अपनी ही जो है फेरी लैंड में जीते हैं। और उनको जो है जैसे कहा जाता है कि क्या बोलूँ मैं, जैसे मीटियोर्स हो गए या कॉमेट्स हो गए, ठीक है, मैं यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, तो वो जो है कितने लाख करोड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं और वहाँ पे कहीं पे गए हैं। तो ऐसा तो होता नहीं ना कि इकट्ठे ही कोई चल रहा है, कोई किसी का रास्ता कोई हो गया, किसी रास्ता कोई हो गया। यही चीज़ यहाँ पे है कि आप दोनों के रास्ते जो है वो बिल्कुल अलग हो गए हैं,
वो आपके लिए गलत फहमी या कोई गलत भावना नहीं रखते, उन्हें मालूम है कि उन्होंने ही गलत किया है और वो अपने फ्रेंड सर्कल से या फैमिली से भी यही बोलते हैं कि गलती मेरी ही थी, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था, मुझे जो है ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था इमेच्योर तरीके से, और जो मैंने किया है उसका पनिशमेंट जो है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और आपको वो एक करेजियस या ब्रेव पर्सन की तरीके से देखते हैं कि आपने जो है अपनी ज़िंदगी को फिर भी गिरने नहीं दिया, उसको बनाया है, उठाया है और आप आगे बढ़ते चले आए। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना क्रिएट हो जाए, फिर भी आप रुकते नहीं हो, ग्रोथ आप करते ही करते हो और वो जो शाइन थी वो जो है अभी भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके एक्स जो है वो आपके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा बात करते हैं, तो हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल भी हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेंथ भीम और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन उषा। ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आपको मैनिफेस्ट करें, लेकिन किस मुँह से करेंगे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एलिफेंट आया है, भीम आए हैं, तो वही चीज़ है कि उन्हें याद है कि उन्होंने क्या क्या कहा है, क्यों कहा है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो वो अपनी और आप भी जो है वो जैसे एलिफेंट होता है उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, अगर किसी ने उसकी मदद की है तो वो याद रखेगा सारी ज़िंदगी, अगर किसी ने जो है उसको तंग किया है तो भी जो है वो याद रखेगा। तो वही वाली एनर्जी है कि आपको याद है कि इस इंसान ने आपके साथ ये किया है, तो आप इस पर्सन के साथ ज़िंदगी में कभी जो है शक्ल नहीं देखना चाहोगे, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, उन्हें मालूम है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। अपॉलॉजी गिफ्ट्स फॉरगिवनेस, तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई कांट फाइंड द वर्ड्स फॉर माई फीलिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए प्लीज़ अंडरस्टैंड आई कांट लूज यू। रनर चेजर डायनामिक, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, नो वन कंपेयर्स टू यू। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। नेक्स्ट आ रहा है योर लाइफ इज अनलाइक एनी आई हैव नोन यू बिफोर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लुक एट योर फोटो एवरी डे। आई हैव नो वर्ड्स फॉर योर काइंडनेस एंड जनरोसिटी। आई हाइड माई ट्रू डिज़ायर्स फॉर यू। आई थिंक अबाउट यू सो मच इट्स केयरिंग मी। I want to talk to you but I don't know what to say. I was pretending to be someone else. तो ये सब चीज़ें जो है वो आपसे कहना चाहेंगी। चलिए देख लेते हैं कुछ charms. यहाँ पे आया लव आया है। अगर फीलिंग्स की बात कर ली जाए तो उन्हें रियलाइजेशन है, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और अपनी डेस्टिनी को जो उन्होंने किया है उसको पलटना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। तू जो है अंकित तिवारी ने गाया है, देख लेना कौन सा गाना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए मेरा साया सचेत टंडन ने गाया, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए तेनू खबर नहीं अरिजीत सिंह ने गाया, तो देख लेना इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने हायरोफेंट को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके एक्स आपके बारे में क्या कहते हैं। या क्या है साइलेंस, स्टार कार्ड आया, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स द सोर्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है नाइट ऑफ कप्स ट्रस्ट। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स लेजीनेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट आ रहा है रेबल एम्परर की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है आपके एक्स जो है वो आपसे आपके बारे में ये कहते हैं कि आप दोनों में डिफरेंसेस थे लेकिन उसके बावजूद आप कंपैटिबल थे। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो जो है आपको एक अबंडेंस की तरीके से देखते हैं, एक प्रॉफिट की तरीके से देखते हैं। और प्रॉफिट को मैंने बोल दिया तो गलत वे में मत लेना, मतलब एक वेल्दी पर्सन की तरीके से देखते हैं, अबंडेंट पर्सन की तरीके से देखते हैं, जो हैप्पीनेस क्रिएट कर पा रहा है, जो अपनी लाइफ में जो है सब कुछ कर पा रहा है। और एक जगह वो है कि वो जो है हमेशा स्टक ही फील करते हैं। वो देख रहे हैं कि आप जो है सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, जो भी आप कर पा रहे हो कंटेंटफुल हो, सेटिस्फैक्ट्री हो,
आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते हो, आगे बढ़ते हो। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे कह सकते हैं कि आप एक रेबल की तरीके से हो, आपको जो है कोई रोक नहीं सकता, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आप अपनी लाइफ में जो है जो भी करना चाहते हो वो करके ही रहोगे। आपके अंदर एक यिंग यांग वाली एनर्जी है, अगर एक मैस्कुलिन एनर्जी है तो एक फेमिनिन एनर्जी भी है कि आप जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड वे में रहना पसंद करते हो। वो आपके बारे में यही कहना चाह रहे हैं कि आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो उनके लिए, उनकी गलती थी कि उन्होंने जो है आपसे दूरी बनाई या ये सब किया। आपको ये समझ आना चाहिए कि क्या मतलब कह सकते हैं कि आपको नहीं, उनको समझ आ गया है कि आपकी क्या वर्थ थी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप अपनी ज़िंदगी में काम पे ध्यान दे रहे हो, आप जो है वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो। आपके अंदर एक जो है, अगर अग्नि है तो पानी भी है, अगर इमोशंस है तो उसको जो है हटाने की इच्छा भी है। एक अगर अटैच हो सकते हो तो डिटैच भी हो सकते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपने शायद कमिटमेंट मांगा होगा और वो तैयार नहीं हुए होंगे, इस वजह से जो है आपसे दूर हुए होंगे। तो ऐसी एनर्जी है जो कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरीके से दिख रही है। साफ सी बात है कि उनकी ही गलती है और इसी तरीके से जो है वो चीज़ हुई। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, प्लस जो है आपकी कमी की वजह से वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे महसूस हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो आ रहा है द हायरोफेंट और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, धर्मा। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक कर्मा जो है वो मिल रहा है उन्हें। उन्होंने जो भी किया आपके साथ, पहले जो है जो टेबल्स हैं वो टर्न हो गए, कि पहले आप परेशान हो रहे थे कि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा ये सब है, अब जो है वो आपकी तरफ आना चाहता है बट आप जो है उससे अटैच नहीं हो, डिटैच हो चुके हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और हायरोफेंट जो है वो यही चीज़ है कि एक विजडम को दिखाता है, एक यंग टीचर को दिखा सकता है या प्रोफेसर हो सकते हैं या फिर जो भी प्रोफेशन हो, तो उसमें भी ये चीज़ है। यहाँ पे सेवन चक्रा भी दिखाए गए हैं। तो हर इंसान की लाइफ में इन चक्रा की या फिर कह सकते हैं हर चीज़ की इम्पॉर्टेंस है। अगर सैडनेस है तो खुशी भी है और बाकी सब चीज़ें भी हैं। अगर आप हेल्दी हो तो कभी ना कभी आप अनहेल्दी भी रहोगे या बीमार भी पड़े होंगे कभी ना कभी। तो उस चीज़ को जो है समझ आता है कि किस चीज़ की क्या इम्पॉर्टेंस है। यहाँ पे आपकी वर्थ को जो है ये पर्सन समझ पा रहे हैं और उनको जो रियलाइजेशन है कि आपके लिए जो भी उन्होंने सोचा या आपसे दूर हुए या भाग खड़े हुए या जिम्मेदारी नहीं ली, वो उनकी गलती थी। तो इस तरीके से ये चीज़ आ रही है। और ये पर्सन भी जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं और एक फैमिली मेम्बर है जो आपके बारे में जानते हैं। कर्मा कम्स टेन फोल्ड, तो यहाँ पे कर्मा मिल रहा है इस पर्सन को। आई रेमिनिसेंट अबाउट आर पास्ट एंड इट इज़ ऑलवेज विद मी। आई लॉन्ग टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं वो। आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स। आई थिंक सो मच, आई थिंक अबाउट यू सो मच, इट्स केयरिंग मी। नेक्स्ट आ रहा है गिव मी अ चांस टू टेल यू हाउ आई फील। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नो मैटर हु आई एम विद माई थॉट्स ऑलवेज लीड मी बैक टू यू। नेक्स्ट आ रहा है कार्मिक टाइज, आई एम स्टक अंटिल आई बिकम अवेयर ऑफ वॉट लेसन आई नीड टू लर्न, विल यू एवर फॉर गिव मी। और नेक्स्ट आ रहा है आई नो दैट आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज फॉर गिव मी। I have a special place in my heart that cannot be replaced. I have an emotional trauma. और एक और देख लेते हैं, you deserve better than me. तो ये चीज़ जो है वो उनके दिमाग में चलती है कि आप उनसे ज़्यादा deserve करते हो, इस तरीके के behavior आप deserve नहीं करते थे। तो चलिए देखते हैं कुछ charms। यहाँ पे वो सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, या तो आपका पब्लिक अकाउंट हो सकता है या फिर प्राइवेटली जो है स्नीक कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा टॉरस एनर्जी है, आप स्टेबिलिटी चाहते थे, इस पर्सन ने नहीं दी, आप जो है दूर हो गए। नेक्स्ट आ रहा यहाँ पे डॉग बोल आया है, तो फूड बोल आया है, हो सकता है कोई पेट हो, कोई ऐसी मेमोरी हो जो उन्होंने अभी तक रख रखी है आपकी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। इत्तेफाक सिद्धांत चतुर्वेदी ने गाया, तन्हा दिल शान ने गाया है। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए अजब सी ओम शांति ओम का, एक और देख लेते हैं।
तेरे सिवा साज भट्ट ने गाया, देख लेना कौन सा गाना है। इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।